please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इस बीच रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। यहाँ पुलवामा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने जैश मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मारे गए कमांडर को दिल्ली में 2003 में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर बीती रात से ही मुठभेड़ चल रही है, अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है ये आतंकी सेना के काफिले पर हमले की फिराक में थे। रिफत, इस वक्त स्थिति क्या है, क्या इन 2 आतंकियों या 3 आतंकियों के छिपे होने की कई खबर? देखिए बिल्कुल, जैसा कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स में भी दिख रहा है कि अभी भी लगातार कॉर्डन जारी है और खासतौर से अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी टाइम से मिलिटेंट्स जो है सक्रिय हैं इस एरिया में, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी बताया कि नूर मोहम्मद तांत्रे नामी जो मिलिटेंट मारा गया है, उसका कद खाली 3 फुट का था और वो 2003 में पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्होंने जंप किया था पेरोल और उसके बाद जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम जो है ज्वाइन की और वो डिविजनल कमांडर था जैश मोहम्मद का और वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था जैश मोहम्मद को साउथ कश्मीर में। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो एनकाउंटर किया है उसमें अभी नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ नूर त्राली मारा गया है और 2 मिलिटेंट अभी बताए जा रहे हैं उस एरिया में है। लगातार कॉर्डन जारी है। रात को जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था तकरीबन 12:27 पे, तो तब से मुठभेड़ जारी थी और अभी एक बॉडी जो है रिकवर की गई है जो नूर मोहम्मद त्राली की बताई जा रही है। A++ कैटेगरी का ये मिलिटेंट था और इस पे 10 लाख रुपए का इनाम भी था और ये मोस्ट वॉन्टेड मिलिटेंट था। बिल्कुल रिफत, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए कितने आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए जैसे पहले ही खबर आई थी कि 3 मिलिटेंट जो है तकरीबन छुपे हुए थे इस एरिया में और डीजीपी का कहना है कि ये एक प्लान कर रहे थे फिदाइन अटैक का एक कॉन्वाई पे, जो नेशनल हाईवे जो है अवंतीपोरा के करीब वहां पे ये प्लान कर रहे थे एक फिदाइन अटैक का, जो डीजीपी ने भी ट्वीट किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो है इनपुट्स मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन्होंने फौरन कॉर्डन किया इस एरिया का और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। जैसे मैंने कहा कि 12:27 में पहली फायरिंग हुई और उसके बाद बाधा तौर पर एनकाउंटर शुरू हुआ और रात भर कॉर्डन जारी रहा। हालांकि काफी ठंड है यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉर्डन को तोड़ा नहीं गया बल्कि कॉर्डन बरकरार रखा गया और फिलहाल 1 मिलिटेंट मारा गया और बताया जा रहा है 2 मिलिटेंट और वहां पे छुपे हो सकते हैं। और नूर मोहम्मद त्राली के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, नूर मोहम्मद तांत्रे के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, नूर त्राली इनका कोड रहा है, उनको टास्क दिया गया था कि वो फिर से रिवाइव करें जैश मोहम्मद के कार्डर को साउथ कश्मीर में और इन्होंने जो है कुछ घटनाएं भी अंजाम दी थी और ऐसे में जो है नूर त्राली का मारे जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि जैश मोहम्मद के डिविजनल कमांडर मारा गया जो A++। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए अपने 3 जवानों को मार गिराया। महज 48 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने पुंछ के पास रावलकोट सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी जवान घायल हुआ। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को घात लगाकर भारतीय सेना के गश्त पर रही जो टुकड़ी थी उस पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे।